पूछो तबीयत कैसी है। अच्छी माशाल्लाह। यहाँ पर मम्मी नुक्स बता रहे, क्या बता रहे? दूध के ना जलेबी डाल के और खजूर डाल के। प्रोटीन पाउडर के दो दो डब्बे पड़े। बस वही दिमाग में सोच ले, मैं चले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज हम लोग व्लॉग इसलिए लेट स्टार्ट किए बिकॉज मैं और दानिश सुबह से हम वहाँ पर थे, दानिश के घर पर ही थे, मतलब मैं ससुराल में थे। सो अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो इसके लिए हम लोग वहाँ के खाना वाना सब बराबर दे रहे थे उनको, क्योंकि नाटक बहुत है उनके खाने पीने में। सो उनकी तबीयत ठीक है, वो पता नहीं क्या हो रहा है, बट हम लोग वो चीज़ आप लोग को बताएंगे बहुत जल्द। सो मम्मी और अब्बा बोले कि चलो हम लोग भी जाते हैं मिलने। सो क्या है, उनको थोड़ा हौसला देते हैं कि खाओ पियो जियो अच्छे से ऐश करो। सो इसके लिए अभी हम लोग वहाँ जाएंगे थोड़े टाइम में। अब्बा नीचे गए, अब्बा आ जाएंगे फिर जाते हैं घर पे। ये आप लोग को ही बताते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फिर भी एक तसल्ली देने के लिए जाएंगे। अब्बा को एक मैसेज आया है, इलेक्ट्रिक का कुछ बिल का आया है। सो उस पर एक अननोन नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आज अगर बिल नहीं भरे तो 9:30 बजे तक बिल तुम्हारा एक बत्ती उड़ जाएगी तुम्हारी, तो इमीजिएटली कॉल करो नंबर पे। तो ये लोग वो कॉल कर रहे हो नंबर पे, ये लोग को पता है वो फेक है, तो ये फेक मैसेज आया है हम लोग को। सो ये लोग कॉल कर रहे, देखो क्या बोलते हैं। बंद है उसका व्हाट्सएप कॉल लगा, तो ये फेक कॉल है, फेक मैसेज है। भी आ गया, मिले ना पैसा तो नहीं था। कौन है? हाँ, या तो वो भेजते और वो भेजते ना नोटिस। सो ऐसा बताया कि तुमने वो महीने का बिल भरे नहीं, उसके लिए कट जाएगी बत्ती। सो मैंने बिल तो भर चुके हैं, तो ये फेक मैसेज है, ध्यान रखना। व्हाट्सएप पे कभी मैसेज नहीं करते हो लोग, या तो नोटिस आती है या तो लोग नॉर्मल टेक्स करते हैं। हाँ, नोटिस आती हुई तो बोली। तो अब्बा आ गए हैं इधर, अब्बा आज जाने क्या तुमको तुम्हारे समधी से मिलने, क्योंकि वो बीमार है। तो तुम्हारे को समधी के वहाँ जाने गए आज, उनकी तबीयत में ठीक नहीं, डॉक्टर लोग ने डरा दिया उनको, तो खाना पीना छोड़ दिया अंकल। हाँ, तुम हौसला देने जाओगे। हाँ, ये भी फटले एक नंबर के, हॉस्पिटल नहीं आते। अब्बा को भी आई सी, अब्बा को भी कोई डॉक्टर डरा देगा ना तो इतने डर जाते ना। सेम है ना मम्मी, कितना डरते मलेरिया हुआ था अब्बा को। तुम किधर भी तुम डरोगे। दोनों चालू हो गया, सही बात है। लेकिन एक याद आ जाती है, बीमार होता है तो इंसान सबको याद करता है कि भाई मेरे पास आओ। अब मैं भी जब हॉस्पिटल में थी तब मैं अब्बा को कितना याद करी थी, अब्बा ऊपर आ जाओ, अब्बा ऊपर आए नहीं, आए नहीं। अब्बा की हिम्मत है, कभी रोते देखे तुमने? नहीं, मैंने देखा। कार कब रोए? तेरी शादी की कैसी जा। तभी भी रोए नहीं, तेरी आँख लाल हो जाती है ना। वीडियो के लिए ना एक्टिंग कर रहे थे वो। चल ऐसे नहीं है, चल मेरे पापा। वीडियो शूटिंग अच्छी होगी? नहीं, जरूरी नहीं। कुछ भी रहेगा उधर। मैं तो मानता हूँ बेटी का टेंशन नहीं, जैसे वो टेंशन लिया। यस, मैं जानता था खुश रहेगी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हाँ, पहले शादी से पहले तुमको थोड़ी मालूम था ऐसा होएगा। जिस दिन मौका मिला मुलाकात हुई, जब साथ में हम लोग घूमे फिरे तो टेंशन पागल है। तो अच्छा है कि टाइम पे आया, ये दो दिन मेरा स्पेंड कर लिया अब्बा के साथ। आते साथ ही साले ने मेरा वो दिल मन। तो खाना खा लिए हम लोग ने बैठे बैठे ही, और अभी जा रहे हैं। नहीं खाते मतलब ना, ऐसी बातचीत करते करते भूख लग गई तो खाने बैठ गए थे। अभी जा रहे हैं, कभी कुछ बज रहे हैं 10:30, तो अंकल आ गए हैं घर पर। सो फोन आ गया कि आ गए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर। सो देखते हैं क्या बात होती क्या नहीं। हम लोग सब लोग भीग गए, बारिश इतनी फास्ट हो गई। रेनकोट लेके घूम रहे हो फिर भी पहने नहीं हो अंकल। हम लोग तैरते तो गाइस, सब लोग आ गए हैं घर पर और लोग खाना खा रहे थे, इसके लिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करी। सो अभी बैठे तो लोग हाल चाल पूछ लेते हैं। हम लोग तो सुबह से यहीं थे, मम्मी और अब्बा अब भी आए तो लोग बात करेंगे। हाँ,
क्या बोल रहे थे अब्बा घर पे? तो बहुत बोले थे अंकल, आज अंकल आज तुम्हारे पकोड़े याद कर रहे थे जो बनाए थे वो। थकान भी नहीं होगी कंपनी ले लेना आगे भागे। पूछो तबीयत कैसी है? अच्छी माशाल्लाह। पूछ रहे वो देखो ना। हाँ अरे कपड़ों के डॉक्टर है तुमको नहीं दिया दे दूंगा 300 वाला ना। अरे डॉक्टर ने डरा दिया, डॉक्टर के पास सुनने जब से डर गए हो है ना। डॉक्टर ने अभी कोई जवाब कुछ भी नहीं है खाली तुमको कमजोरी है क्यों मजाक दवाई के लिए मार मार के मत खिलाओ खाते सर्दी का बचपन से काम करते इनको 15 दिन मेरे पास भेज दो पढ़ाई कर देता हूँ बेटे के साथ बाप फ्री भराई बोला तो एक लोग लगा मारेगा ऐसा नहीं खिलाओगा खिलाने वाली भराई मम्मी को नहीं मालूम है ये चल सब मालूम है। चतुर है। तो यहाँ पर मम्मी नुक्स बता रहे क्या बता रहे नुकसान क्या बोलते हैं इलाज बता रहे जो देसी इलाज नुक्से देखे बता रहे दादा खाते थे। अंकल अभी स्विगी जोमेटो सब आ गया है सब ऑनलाइन मिलता है बोल देने कहीं को मंगा के दे देंगे खाते ही नहीं है तो मैं तो साल भर होने आ गया। प्रोटीन पाउडर के 2-2 डब्बे पड़े प्रोटीन के पाउडर के मेरे को लगता है वो भी एक्सपायर हो जाएगा तब तक ये नहीं बस वही दिमाग में सोच लिए मैं चले जाऊंगा ये देखो ये अब्बा की तबीयत पूछे में वीडियो कॉल करी बिचारी कब से। अरे अब्बा सही है अब्बा अच्छे है बेटे अच्छे तेवा दीदी अभी खा रहे खाना ही ना अभी अभी खाना ही ना खा रही टेंशन की जरूरत नहीं है। सो चलो गाइस अब जाने का टाइम हो गया है सो अभी सब अल्लाह हाफिज कर रहे हैं सो वो ब्लॉग को क्या बोल रहे हो अल्लाह का सबको दावत है अच्छा पकौड़े की अंकल वेजिटेरियन है तुम लोग पनीर लेके आना बना लेंगे पूरा नहीं अभी आंटी बोलेगी चने का आटा लेकर आओ लेके एक किलो लेना एक किलो लेके आओ बारीक चने का आटा लेके आओ मिर्ची तू ले लेना टमाटर के लिए टमाटर महंगा है लेकिन अच्छा बासी खिलाओ चलो चलो। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पर और मम्मी को यहाँ पर देखे तो छोटू सा चूहा दिखा तब यहाँ पर क्या है मोटू है मम्मी अरे ये मेरा दुपट्टा था
मैं तो छुआ वो पर्दे के पीछे छुपा है मम्मी आगे अब्बा पर्दे के नीचे अब्बा आए वहां से वहां भाग रहे ऊपर नहीं आ जा मैं खाते बेटा मस्त इंजॉय कर रहे अपना वो खुद ही भागेगा अम्मी वहां से वहां ही भाग रहा है वो तो गाइस हम लोग का चूहा घूम गया कहाँ गया हाँ परंग पे नहीं होएगा कहाँ गया लेकिन ये चूहा यो सो गाइस कल मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी और चूहा तो हम लोग को कल मिला नहीं कहाँ गया क्या पता सो मैं फिलहाल के लिए यही ब्लॉग एंड कर रही आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।